महिला शक्ति संस्था द्वारा महिला दिन की उजवणी करवामां आवी। महिलाओं ने सौथी प्राचीन उजवणी न्यूयोर्क सीटी में 28 फेब्रुआरी 1909 ना रोज हती अने बे वर्ष पछी केटला यूरोपियन देशों में प्रथम आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। आम तो 365 दिवस में भाग्येज कोई दिवस हशे जे महिला वगरनो जतो होय। दरेक क्षेत्र में डगले ने पगले महिला वगर चालतुं नथी अने आ एक सत्य हकीकत छे। ठेर ठेर महिला दिन की उजवणी करवामां आवे छे। छाणी महिला शक्ति संस्था कार्यालय खाते गुजरात युवा अध्यक्ष दीपकभाई मेवाड़ा की अध्यक्षता में आंतरराष्ट्रीय महिला दिन की उजवणी करवामां आवी, जेमां वडोदरा जिला अध्यक्ष निरंजना राठौड़ उपस्थित रहा। आ प्रसंगे महिला शक्ति संस्था होद्देदार बहनों बाळकीओं मृत्यु दर में वधारो थई रह्यो छे अने पुरुषों करता स्त्रीओनी संख्या में घटाड़ो थतो होय भ्रूण हत्या अटकाववी जोईए। आपणो समाज केम दीकरीनो सापनो भारो गणे छे। महिलाओना आरोग्य अंगे सरकार द्वारा महिलाओं माटे विविध हेल्पलाइन नंबर शुरू करवामां आव्या छे, जेनो महत्तम महिलाओं लाभ लई विधवा माता बहनोने सामान्य जीवन में घणी बधी मुश्किलीओ आवती होय छे। विधवा माता बहनों केम बंगड़ी पहेरी शके, चांदलो सारा कपड़ा केम न पहेरी शके, परिणीता स्त्री जीवन सामान्य जीवन केम न जीवी शके। विधवा माता बहनों ने समाज शकनी नजरे जुए छे तथा छूटाछेड़ा थयेल स्त्री ने कोईपण माँ बाप भाई बहन राखता नथी, ते अभिशाप छे। छूटाछेड़ाना केसोनो वहेली तके निराकरण लावामां आवे तथा कोर्ट कचेरी सिवाय पण स्त्रीओने न्याय मळे तेम जणाव्युं हतुं। आ प्रसंगे गुजरात युवा अध्यक्ष तथा वडोदरा अध्यक्ष ने नर्मदा जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र राठौड़, खेड़ा अध्यक्ष जसवंतभाई द्वारा शाल उढ़ाड़ी सन्मान करायो तथा महिला शक्ति संस्था की बहनों ने निरंजना राठौड़ द्वारा शील्ड आपी तथा पुरुष होद्देदारों मोमेंटो आपी सन्मानित कराया था। आ प्रसंगे आंकलाव प्रमुख स्मिता डाभी, नर्मदा युवा प्रमुख नीता सुरती सहित वडोदरा जिला तालुका होद्देदारों बहनों हाजर रहा था। मैं गुजरात से बड़ोदा डिस्ट्रिक्ट से महिला शक्ति की अध्यक्षा, आज मैं पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, खास करके हमारे जसवाल सर और अनिता मैम जिन्होंने हमें हम सभी महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ हमारे बड़ोदा डिस्ट्रिक्ट में आज काफ़ी सारी महिलाएं जो पिछले 6 मंथ से 7 मंथ से कार्यरत हैं, उनका सभी हमारे भाई ने सम्मानित किया है और सभी लोग काफ़ी खुश हैं। आज हमारा हर दिन हमारा है और हमारा ही रहे, इसी भावना से आज हमारे देश की सारी महिलाएं इस महिला दिन को मना रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं हम महिलाओं के लिए, जो मैं पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो कमी है हम सब मिलके महिलाओं के लिए कुछ कर सकें। और आज हमारे कार्यालय पे हम सभी लोग गुजरात में पहली बार महिला शक्ति तरफ से हम लोगों ने ये विश्व दिन मनाया है, तो सभी लोग गुजराती और ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हुए हैं और रेड कलर हम लोगों ने इसलिए चॉइस किया है क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक होता है। तो आप सभी लोगों को मेरे पूरे संगठन की तरफ से और हमारी सभी महिलाओं की तरफ से सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिन जो मनाया जा रहा है वो उनका तो नाम आप सभी लेना भूल गए हो। कौन है, क्या नाम है उनका, जानते हैं? मदर टेरेसा। सॉरी, फोटा लगा दिया है? नहीं, इस दिन की जिसने शुरुआत की है वो लेडी का नाम है लारा जेटकिन, है ना? लारा जेटकिन नाम है उनका, जिन्होंने हम लोगों को महिलाओं को मत देने की कोई परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पे जो कामगिरी करते हैं जो वेतन के दिन और पैसे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की। वहाँ का जो कोई राजा था कोलंबस करके, उनको उन महिलाओं ने आंदोलन करके उनको हराया था, ये थी लारा जेटकिन, है ना? तो आज का जो दिन है वो मेरे लिए, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के बाद पहली बार इस स्टेज पे आई हूँ और मैंने काफ़ी काम किया, 6-7 महीने मैंने काम किया है, लेकिन सिर्फ युवा अध्यक्ष के नाते। और आज मैं जसवाल सर, अनीता मैम, उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ, खास करके आप सभी लोगों की। मैं जिस स्टेज पे आज खड़ी हूँ वो आप सभी लोगों की वजह से, मैं अपने बलबूते पे नहीं गई हूँ, आप लोगों ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, तभी मैं स्टेज पे आके खड़ी हूँ।
आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी महिलाएं मेरे साथ जुड़े। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अकेली स्टेज पे आऊँ, मेरे बाद आप सभी लोग आए और सभी लोग दुनिया को दिखाए कि महिला का पावर क्या है, महिला क्या कर सकती है। आप लोग ऐसा सोचते हो कि मदर टेरेसा हो गए, काफ़ी सारी जो हमारे इतिहास में देश में है ना, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत काफ़ी कुछ काम किया है। लेकिन आज भी आप स्लम एरिया में जाके देखो, किसी भी जगह पे आप देखो, काफ़ी सारी महिलाएं डिवोर्स से पिट रही हैं, फिर विधवा है, दहेज के लिए। मतलब आज जो टॉपिक मैंने दिया सभी महिलाओं को, और सभी महिलाओं ने बारी बारी अपने बारे में, अपनी जितनी भी चुनौतियां आई है उनकी लाइफ में, सभी उन लोगों ने सबको बताया। लेकिन मैं चाहती हूँ आज जो था हमारा प्रोग्राम वो पूरा विश्व देखे, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि हिंदी में बात करें, है ना। तो छोटी छोटी भूलों से ही हम लोग सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलती कर दी तो आप गलत हो। और अब हम आगे जाके महिला शक्ति की थकी, हम पूरे समाज में जहाँ पे महिला शक्ति का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, आप वहाँ जाएगी, आप वहाँ जाके बताएगी कि विधवाओं को हमारी संस्था क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके सिवा भी जो औरतें हैं जो घर में अभी हाउसवाइफ की तरह रहती हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग काम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो उनको आप बताओ कि आप सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं बनी हो, बच्चे पालने के लिए नहीं बनी हो, आप अपना वजूद बनाओ। पति बच्चे सब हैं, हमारे हैं, अपने हैं, उनके साथ हमें जीना है, लेकिन आपका खुद का वजूद, खुद का वजूद क्या है, कौन जानता है आप क्या हो। आप जब पैदा हुई तो बेटी बनी, शादी हुई तो बीवी बनी, बच्चे हुए तो माँ हुई, आपका वजूद क्या, आप कौन हो। आज आप महिला शक्ति पे आए हो, ज्वाइंट हुए हो यहाँ पे, तो आज मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है उससे मेरी खुद की पहचान है। मैं खुद निरंजना राठौड़ मैं कौन हूँ, ना मेरे पिता ने मुझे पहचान दी, ना मेरे पति ने मुझे पहचान दी। तो आप इस स्टेज पे आते हो तो आपकी खुद की पहचान बनती है, तो जहाँ जाते हो आप वहाँ पे महिला शक्ति का प्रचार करें, उनको बताएं हम विधवा की जो फैसिलिटी हमें मिल रही है। अब काफ़ी कुछ आप लोगों ने बोल दिया है, अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बस छोटी सी पंक्तियाँ हैं हमारी महिलाओं के लिए जो मैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।